हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी बुलेटिन। सो एम्स 2024 के बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल इनके एडमिशन फॉर्म्स आ रखे हैं, मगर प्रस्पेक्टस रिलीज नहीं हुआ था। सो एम्स ने अपना प्रस्पेक्टस रिलीज कर दिया है फॉर द ईयर 2024। सो स्टूडेंट हम देखेंगे और द टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल इन डिफरेंट एम्स, फीस कितनी है, मैथ चार्जेस कितने हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनके लिए जो कट ऑफ डेट है फॉर द सर्टिफिकेट वो क्या रहने वाली है, और बहुत सारी जानकारियां जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी बिफोर टेकिंग एडमिशन टू द एम्स। एम्स की फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके अलावा जो आरयूसी कोड जनरेट करना है वो कैसे करना है, और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वो कैसे करना है, वो दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो बेसिक रजिस्ट्रेशन है फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, वो 5th मार्च से स्टार्ट हो गया है और जो क्लोजिंग डेट है वो 4th अप्रैल है। इसके अलावा जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है उसकी भी जो डेट है वो 4th अप्रैल है। करेक्शन ऑफ द डिफरेंसेस इन द बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड, मींस अगर आपने फॉर्म भरा और आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसमें क्या डिफरेंसेस रह गई है, तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो है वो 4th अप्रैल से लेकर और 6th अप्रैल तक खुली रहेगी, उसमें आप अपनी जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। जो फाइनल स्टेटस है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है वो होगा 8th अप्रैल 2024 पे। जनरेशन ऑफ कोड फॉर द फाइनल रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पेमेंट जो है और आरयूसी कोड जनरेशन की जो डेट है वो भी 12 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। फाइनल स्टेटस ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल, एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड एंड द रीजन फॉर द रिजेक्शन वो आपको पता चल जाएगा 18 तारीख को। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे 31 मई को फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स एंड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स, इनके लिए 14 जून को आ जाएंगे एडमिट कार्ड। बीएससी नर्सिंग के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 8 जून को। इसके अलावा जो पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उसके लिए जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 22 जून को। तो डेट से पहले आ चुकी थी एग्जाम, किस दिन होगा। सो एग्जाम हो जाएगा बीएससी नर्सिंग का 8 जून 2024 को। इसके अलावा जो रिजल्ट है रिजल्ट आ जाएगा 18 जून 2024 को। और जो ऑनलाइन सीट एलोकेशन जो काउंसलिंग प्रोसेस है दैट विल बी इंटीमेटेड लेटर। इसके अलावा जो बीएससी पैरामेडिकल है उसके लिए एग्जाम हो जाएगा 22 जून को और जो रिजल्ट आ जाएगा वो 27 जून को आ जाएगा और काउंसलिंग की डेट उसके बाद आएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस साल आपका एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपए फीस है फॉर ईच कोर्स। अगर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं और पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए आपको 2000 रुपीज पे करने पड़ेंगे सेपरेटली। ओबीसी के लिए भी जो फीस का अमाउंट है वो 2000 रुपए है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो फीस का अमाउंट है वो है 1600 रुपए, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। अब देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पैरामेडिकल के बारे में। सो बीएससी ऑप्टोमेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, बैचलर्स इन डेंटल हाइजीन एंड बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे दिल्ली में और सीटें आप देख सकते हैं उनके सामने, और रिजर्वेशन जो है किसकी सीट में कितना कितना मिलेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो एम्स बिलासपुर है, एम्स बिलासपुर के कोर्सेज आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एम्स बिलासपुर के कोर्सेज और कितनी कितनी सीटें हैं वहां पर वो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो एम्स भोपाल है, एम्स भोपाल के कोर्सेज आप ये देख सकते हैं, ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं इन एम्स भोपाल। इसी तरह से एम्स भुवनेश्वर के कोर्सेज हैं कि कौन कौन से कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं फॉर द पैरामेडिकल ब्रांच, सीटें आप यहाँ पर इसके सामने देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें वहां पर अवेलेबल रहेंगी टोटल। इसके अलावा ये कोर्सेज हैं एम्स बीबी नगर के, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बीएमआरआईटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, ईसीजी एंड एंडोकार्डियोग्राफी, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एंड बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। इसी तरह से एम्स देवघर के कोर्सेज देख सकते हैं आप, जोधपुर के कोर्सेज देख सकते हैं, एम्स कल्याणी, एम्स नागपुर, पटना, ऋषिकेश, तो ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं इन एम्स ऋषिकेश। वीडियो को पॉज करके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कितनी कितनी सीट है और कौन कौन से कोर्सेज हैं किस एम्स में, उसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। रीजन इन रायपुर एंड द नेक्स्ट आर इन एम्स रायबरेली। सो जो ग्रैंड टोटल पहुंचता है बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए टोटल सीट्स अवेलेबल हैं 217। जितने 15 पार्टिसिपेटिंग एम्स हैं, 15 पार्टिसिपेटिंग एम्स में टोटल पैरामेडिकल की सीट्स हैं 217। बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी कितनी सीटें वहां पर हैं। सो एम्स दिल्ली में 96 सीट्स हैं, एम्स बठिंडा में 60 सीट्स हैं, एम्स भोपाल में 90 सीट्स हैं, एम्स भुवनेश्वर में 75 सीट्स हैं, एम्स बीबी नगर में 60 सीट्स हैं, एम्स बिलासपुर में 40 सीट्स हैं, एम्स देवघर में 60 सीट्स हैं, एम्स गोरखपुर में 60, एम्स जोधपुर में 100, एम्स कल्याणी में 60, एम्स मंगलागिरी में 100, नागपुर में 70, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100 और गुवाहाटी में 60। इस तरह से टोटल सीट का काउंट पहुंच जाता है, वो पहुंचता है 1231। सो 1231 सीट होने वाली है इस बार फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स इन एम्स।
बाकी जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के लिए आप जो उसका सामने सामने लिस्ट है वो देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी से कितनी कितनी सीटें आने वाली हैं फॉर ईच कैटेगरी। बाकी आप देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, सो जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज है वो 3+1 ईयर से लेकर 3+2 ईयर, इसके बीच में आपको पैरामेडिकल कोर्सेज मिलेंगे। किसी किसी कोर्सेज में जो इंटर्नशिप है वो 6 मंथ की है और किसी किसी कोर्सेज में इंटर्नशिप है वो 1 ईयर की है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्स है वो 3.5 साल या 4 साल इसके बीच में रहेंगे। और जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग तो 4 ईयर का कोर्स रहेगा। जो वेरिएशन आता है कोर्स में 6 महीने का, वो आता है इन पैरामेडिकल कोर्सेज। सो एम्स वाइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं किस किस एम्स में। जैसे नागपुर, बिलासपुर, जोधपुर, बीबी नगर, रायपुर, रिजर्वेशन ऑफ सीट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो लोग ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, सो उनके लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट है वो क्या रहने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो उनको जो ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो 9th of June 2023 और 8th of June 2024 इसके बीच का जो सर्टिफिकेट इशू है वो वैलिड होगा, इससे पहले वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। सो जो भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 1st of April के बाद अपना जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करा लें। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसकी डेट क्या है, 23rd of June से लेकर और 22nd of June 2024 इसके बीच का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसके अलावा अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, सो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग के लिए 1st of April 2024 से लेकर और 8th of June 2024 इसके बीच का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। बात करें अगर पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो 1st of April 2024 से लेकर 22nd of June 2024 इसके बीच का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। फिर बात करें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए विद पीसीबी और कुछ कुछ कोर्सेज में पीसीएम भी है, एज एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर मार्क्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए 55% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी अलॉन्ग विद ईडब्ल्यूएस एंड 50% मार्क्स फॉर द एससी एसटी कैटेगरी फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स। अगर हम बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो पैरामेडिकल कोर्सेज में जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, बाकी जो पैरामेडिकल कोर्स है उसके लिए मेल फीमेल दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। सो अगर बात करें एग्जाम की और टेस्ट सेंटर्स की, सो जो एग्जाम होने वाला है, द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश हिंदी, दोनों ही लैंग्वेजेस में एग्जाम आने वाला है। इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे आपको हर स्टेट की मेजर सिटीज में, तो इंडिया में जितनी भी मेजर सिटीज हैं हर स्टेट में आपको एम्स का एग्जाम सेंटर मिल जाने वाला है। बाकी जो एम्स पोस्ट बेसिक है उसके लिए सिर्फ दिल्ली एनसीआर में आपको सेंटर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो एम्स पैरामेडिकल है, पहले इसका एग्जाम दिल्ली में ही होता था, मगर अब आपको इन सब सिटीज में एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून और कोलकाता, इनमें आपको जो बीएससी पैरामेडिकल है उनके एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे उसको देखते हैं। सो जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसमें टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनसे होंगे 30-30 क्वेश्चन और जो जीके से होंगे उससे होंगे 10 क्वेश्चन, तो इस तरह से टोटल होंगे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ही पेपर रहेगा और 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा जो बात करें बीएससी पैरामेडिकल की, सो बीएससी पैरामेडिकल में 1.5 घंटे का पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जिसके पास मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स से एग्जाम दे सकते हैं। सो बायो या मैथ इनमें से आपको एक ही पार्ट करना है। दूसरी बात, जो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वैलिड होगा, अगर किसी के पास स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वैलिड नहीं होगा एम्स में एडमिशन लेने के लिए। सो आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को अगर वो सेंट्रलाइज नहीं है तो उसको आप सेंट्रलाइज करा लें। इसके अलावा जो कट ऑफ मार्क्स है फॉर क्वालिफाइंग इन द एग्जाम, तो एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स फॉर द अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस होने चाहिए, इसके अलावा 45% मार्क्स फॉर द ओबीसी एंड 40% मार्क्स फॉर द एससी एसटी, तो एग्जाम में आपको एंट्रेंस में एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए तभी आप क्वालिफाई हो सकेंगे काउंसलिंग के लिए। मार्किंग इसमें आपको बताई दी है, हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 का डिडक्शन है। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, सो बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आरसी कोड कैसे जनरेट करना है और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने वाले हैं, फोटो वगैरह कैसे अपलोड करनी है, उन सभी के लिए 2 वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ डेट्स है फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल वो बता ही दिया है आपको। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है सिर्फ वही एक्सेप्टेड होगा, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए कट ऑफ डेट्स बता ही दी है आपको और जो बीएससी पैरामेडिकल है उसके लिए जो कट ऑफ डेट्स है वो आपको बता दी है। अब बात करते हैं फीस की, फीस कितनी लगने वाली है आपको इसमें। सो इंडिया में जितनी जगह बीएससी नर्सिंग होती है
सिर्फ दो जगहों पर फीस बहुत कम मिलती है आपको, पहला तो एम्स है और दूसरा है पीजीआई चंडीगढ़। सो पीजीआई चंडीगढ़ अपना अलग से एग्जाम लेता है, उसके फिर फॉर्म आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल देखते हैं एम्स की फीस कितनी है। सो बीएससी नर्सिंग में 4 सालों में सिर्फ 600 रुपए फीस है, मतलब टोटल ड्यूरेशन 4 साल का होता है, उसमें सिर्फ फीस लगने वाली है 600 रुपए। इसके अलावा जो दूसरे पैरामेडिकल कोर्स है उसमें फीस देख सकते हैं आप, सिर्फ 300 रुपए फीस है पूरे कोर्स के लिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के लिए जो अपॉर्टमेंट है उसका अमाउंट रहेगा 960 रुपए पूरे 4 सालों के लिए, और 720 रुपए है बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। जो हॉस्टल रेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए वो होने वाला है 480 रुपए पूरे 4 सालों के लिए, और जो सिक्योरिटी मनी है वो रहेगी 100 रुपए कॉशन डिपॉजिट, और हॉस्टल सिक्योरिटी है 1000 रुपीज। सो अगर आप इन सबका टोटल कर लें कि बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल आपको फीस कितनी रहने वाली है पूरे कोर्स के लिए, सो 600 रुपए तो टोटल 4 सालों की फीस है। इसके अलावा 960 रुपए का पॉट मनी है, हॉस्टल रेंट 480 रुपए है, 100 रुपए का कॉशन डिपॉजिट है, और हॉस्टल की सिक्योरिटी है 1000 रुपीज, और 25 रुपए का है रजिस्ट्रेशन चार्ज। सो टोटल फीस आपको लगने वाली है पूरे 4 सालों के एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए 3165 रुपए। सो इंडिया में आपको इतने कम में नर्सिंग करने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, पूरे एंटायर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन के लिए सिर्फ 3165 रुपए फीस है। इसके अलावा अगर बात करें पैरामेडिकल की, सो पैरामेडिकल में भी अराउंड 2500 रुपए फीस लगेगी आपको पूरे कोर्स ड्यूरेशन की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है मेस चार्जेस। जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेस लेना कंपलसरी है, हॉस्टल में रहना है उनको क्योंकि। सो जो मेस चार्जेस हैं वो है 700 रुपीज पर मंथ, मीन्स हर महीने आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे मेस चार्जेस के लिए। ये भी बहुत कम है क्योंकि जो दूसरे नर्सिंग कॉलेज हैं, इवन गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, उनमें मेस चार्जेस नॉर्मली जो रहता है वो 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में रहता है, और एम्स में आपको सिर्फ 700 रुपए में पर मंथ मेस मिल रही है। सो अगर आप 1 साल के भी निकाल लेंगे तो 1 साल में आपको टोटल 8400 रुपए लगेंगे मेस के चार्जेस, और उसको 400 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि कितने कम में आपको 4 साल का जो हॉस्टल अकोमोडेशन है वो मिल जाने वाला है। इसके अलावा जो लोग एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लेंगे फॉर द बीएससी पैरामेडिकल कोर्स, उनके लिए फीस का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो रेडियोथेरेपी कोर्स के लिए उनको फर्स्ट ईयर में 50,000 रुपए, सेकेंड ईयर में 50,000 रुपए, और थर्ड ईयर में 50,000 रुपए ये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके अलावा बीएससी रेडियोथेरेपी को छोड़ के बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसके लिए 13,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये वन टाइम पेमेंट रहेगी। इसके अलावा 32,700 अलग से फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी उतने ही, और थर्ड ईयर में भी उतने ही। तो एम्स ऋषिकेश में फीस थोड़ी ज्यादा मिलेगी आपको एज कम्पेयर टू द अदर एम्स। हॉस्टल अकोमोडेशन जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हॉस्टल अकोमोडेशन कंपलसरी, उनको तो हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल दे आर सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल, अगर हॉस्टल अवेलेबल है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। बाकी जो लास्ट आता है इसमें वो है इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, बाकी वीडियो अवेलेबल है कैसे भरना है फॉर्म उसके लिए, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो दीज आर द ए टू डी डिटेल्स ऑफ द बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्स दैट इज अवेलेबल इन द एम्स। सो अगर अभी बीएससी नर्सिंग करने का मन बना रखा है आपने, सो एम्स से बढ़िया और कोई स्टेट नहीं हो सकता, इतनी कम फीस में इतनी टॉप क्लास जो एजुकेशन है वो और कहीं नहीं मिल सकती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऐसे ही गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ओपनिंग जानने के लिए सब्सक्राइब कर द प्लेरिपोर्टेंट को एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स।